माँ भागवत है। वैष्णव नाम यथा संभोवन, क्या नाम है शिव जी का? वैष्णवों में जो सबसे ऊंचा नाम है वो शिव जी का नाम है। तो शिव जी भी इस कथा में पहली बार आए हैं, इसके पहले हनुमान जी के रूप में आए थे। तो शिव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, क्योंकि इनकी पत्नी संसार में बहुत पूजी जाती है। कौन? वैष्णव देवी है, वो वैष्णवी है, लेकिन वैष्णवी को पूछ के वैष्णवी नहीं बनते लोग, क्या नहीं जाते, सिर्फ उनको पूछते रहते हैं। तो उनके चरणों में प्रणाम, यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, और जितने भी सेवा में रक्त हमारे सहयोगी मित्र और भक्त है उनके चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत जी में महात्म्य प्रवेश करते हैं। और आप सबसे, आप सबकी कृपा याचना का निवेदन करते हैं कि आप सब अगर हमारे लिए भगवान के चरणों में याचना करेंगे, आप सब कृपा करेंगे, तो 9 दिवसीय कार्यक्रम सफल और आनंदित होगा। तो आप सब कृपा करिएगा, ऐसा मेरा निवेदन। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भागवतम की महात्मा सुनेंगे, और जैसे भगवान तय करेंगे आगे बढ़ेंगे। बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्यादेहि तवे, विष्णोत्पत्यादेहि तापत्राय विनाशाय, तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, ये पहला अध्याय का भागवतम का पहला श्लोक है। क्या कह रहे हैं? नारद जी की भक्ति से भेंट होती है। नारद जी की किन से भेंट होती है? भक्ति महारानी से। तो क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय है ना, ये पहला जो शब्द है उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? सच्चित और आनंद का स्वरूप है। भगवान का कैसा स्वरूप है? सत्य है, और जीव भी सत्य है। मैंने अभी क्या कहा था? जीव और भगवान शाश्वत है, शाश्वत में सच्चे हैं। जीव और भगवान क्या है? शाश्वत है। तो क्या कह रहे? सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चा है, और सत्य और चित्त और आनंद का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप सच्चा होने के कारण भगवान कल भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। मतलब भूतकाल में थे, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में भी रहेंगे। हम सब में कोई भी सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं है। क्यों? हम भूतकाल में थे जरूर, लेकिन याद नहीं। वर्तमान में है जरूर, लेकिन कभी खत्म हो जाएंगे मालूम नहीं।
और भविष्य में भी आएंगे। गीता में बात भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन मेरा और तेरा अनेक जन्म हो चुका है लेकिन मुझे तो सब याद है, सब मालूम है, लेकिन तू संसारी मायाबद्ध जीव है इसलिए तुझे कुछ भी याद नहीं। तो हम सब जीव सच्चे हैं, क्या है लेकिन कैसे है, झूठ का आईना लेके घूम रहे हैं। क्या लेके घूम रहे, झूठ का आईना। भगवान के अंश होने पर भी, सच्चे होने पर भी, इस भौतिक संसार में आने के कारण माया जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसके चुंगल में फंसने के कारण हम लोग थे तो सच्चे लेकिन हो गए झूठे। क्या हो गए, झूठ का आईना पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। आईना समझते हैं, आईना, आईना क्या है मालूम है, आप कहेंगे आईना जिसमें हम शकल देखते हैं, मैं उस आईने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सच बोलता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ये बोलता है जैसा चेहरा है वैसा दिखाता है, आईना झूठ नहीं बोलता। हम लोग कौन से झूठ का आईना लेके चलते हैं जो हमने चेहरे के ऊपर चेहरा लगाया हुआ है, चेहरे के ऊपर जो मुखौटा लगाया हुआ है, सरल नहीं है, सच्चे नहीं है, लुटेरे हैं, लुटेरे, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं, कह रहे कि सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, ऐसे नहीं है भगवान, एकदम सरल। राम जी कैसे हैं, किसके लिए प्रकट हो गए, झूठा खिलाने वाले सबरी के लिए, जो ना पड़ी थी गवर एकदम भील जंगली, किसके लिए प्रकट हो गए, वो आश्रम में रहने वाले भक्त के लिए। तो हम लोग को सच्चिदानंद स्वरूप के अंश है, हमें वैसा बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए, सत चित आनंद का मूर्ति बनना चाहिए। मैंने क्या कहा, मंगल आरती नहीं मंगल मूर्ति बनना चाहिए। सुबह 3 बजे तो उठ गए मंगल आरती करने के लिए, 4 बजे तो उठ गए मंगल आरती करने के लिए, लेकिन चेहरे के ऊपर चेहरा लगा हुआ है। मंगल मूर्ति के लिए उठे, भगवान मंगल मूर्ति है, क्या है, भगवान मंगल करते हैं, मंगल मूर्ति है, लेकिन मंगल मूर्ति नहीं बन पाए। पूरा जीवन मंगल आरती में बिता गया, 4 बजे उठते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा शहर में घूम गए, लेकिन लेकिन राम राम जपना और परायमान अपना, कैसे हमारा खुद का महल बन जाए, संसार बन जाए, मैं दुनिया जीत लूं, दुनिया को पीछे छोड़ दूं, मेरे जितना और कोई भी नाम वाला महाराज नहीं बन सके, बाबा नहीं बन सके, गुरु नहीं, ऐसे भाव, ऐसे जीवों के भाव। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे संसार में, आईना की तरह दिखा रहे, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम MBA, आई एम MTech फ्रॉम अमेरिका, मास्टर्स किया है हमने, कहाँ से किया, कैनेडा, आई लिव इन कैनेडा, आई लिव इन कैनेडा, यू नो मैं कैनेडा में रहता हूँ, क्या आप जानते हो, वहां से मास्टर डिग्री लिया है। अनेक प्रकार के आईना दिखाते रहते हैं, सच्चे नहीं हुए, सरल नहीं बने, क्या बने, कपटी बने और ठग बने, छली बने, ये बड़े बड़े डिग्रियों का और संसारी जीवों की सच्ची दशा है। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए मंगल आरती नहीं मंगल मूर्ति का प्रयास करना चाहिए। सच्चिदानंद रूप आए, क्या सच्चिदानंद स्वरूप होना चाहिए। आपको देख के किसको आनंद होना चाहिए, है ना, आपको देख के किसको ये नहीं होना चाहिए, अरे ऐसे जीवन में आचरण बनाना चाहिए, मंगल मूर्ति बनना चाहिए। किसका भला करूं, किसका कुछ तकलीफ में अपना योगदान करो, शामिल हो जाओ, उसके दुख दूर करो, ऐसे भाव विचार होने चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी,
पीर पराई जाने रे, पर तुमके उपकार करे तो मन अभिमान ना आए रे। ये वैष्णव होते हैं। ये वैष्णव कैसे संसार में कैसे कैसे लोग हैं, दूसरे के सर पे पांव रख के आगे जाना चाहते हैं। तो मंगल आरती नहीं, मंगल मूर्ति बनना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करूंगा आप सभी से। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद का स्वरूप है, और हम सब जीव उनके शाश्वत अंश हैं, तो हमें वैसा ही बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? सत चित और आनंद का मूर्ति बनना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य पे जीवन टिका होना चाहिए, आनंद में हमेशा रहना चाहिए। क्या आनंद रहना चाहिए? ये जो आज देख रहे हैं पंडाल, ये दुख में लगाए गए कि आनंद में लगाए गए? ये जो कॉन्ग्रेगेशन सोसाइटी के भक्त हैं, इनका आनंद है ये? क्या है इनका? जो कमाते हैं मेहनत से, जमा करके आनंद बना रहे हैं। भगवान क्या शिक्षा देते? सारी भूमि गोपाल की। और भगवान क्या शिक्षा देते? सारी भूमि गोपाल की है, और सब जीव गोपाल के हैं, सब जीव गोपाल के हैं, सबको अपना बंधु बांधकर समझना चाहिए। लेकिन संसारी स्वार्थी जीव जो भक्त नहीं है, वो क्या करते? वो सच भाषण नहीं करते, सच के साथ जीना नहीं चाहते, वो इस प्रकार के आनंद से कोसों दूर रहते हैं, और अनेक प्रकार के संसारी कठोर मेहनत वाला काम करते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। तो भगवान कैसे हैं? सत्य चित्त आनंद, सच्चा है। चित्त मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, और इसीलिए आनंद में रहते हैं। जिनको ज्ञान नहीं, वो जीव संसार में मेहनत करते हैं अज्ञान के कारण। मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं फिर कमाऊंगा, फिर घर बनाऊंगा, फिर महल बनाऊंगा, गाड़ी में घूमूंगा, और एक दिन उसी गाड़ी में एक्सीडेंट होके मर जाऊंगा। पूरी हवाई जहाज समुंदर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? पूरी हवाई जहाज, सुना है आप लोगों ने? मिलता नहीं उसका एक एक चक्का पहिया भी नहीं मिलता। हवाई जहाज में कौन लोग चलते? जो दुनिया को आईना दिखाते, आई एम सो है ना, पढ़े लिखे झूठ बोलने के लिए वाले लोग, विद्वान लोग, हजारों हजारों लोग ट्रेन में रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। क्या होता है उनका जीवन? व्यर्थ चला जाता है, भूत प्रेत बन जाते हैं, उसकी कथा अभी सुनेंगे हम लोग, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान के अंश होने के बावजूद भी इस संसार में माया में एकदम डूब जाने के कारण कैसे हो गए? झूठ का आईना लेके घूमने वाले हो गए, झूठे हो गए, ठग हो गए, छली हो गए, एकदम से निम्न स्तर के हो गए, पशु के समान हमारा जीवन हो गया। कैसा जीवन हो गया? पशु के समान। पशु क्या काम करता है? खाता है, हम सब भी खाते हैं, फिर क्या करता है? परिवार पालता है, हम सब भी बच्चे पैदा करके परिवार पालते, फिर क्या करता है? सो जाता है, हम सब भी सो जाते हैं, फिर क्या करता है? कोई डंडा दिखाया, अभी यहाँ कोई पशु आके सो जाएगा, निश्चित रूप से कोई डंडा दिखाएगा, भागता है डर के मारे। हम सब भी क्या करते हैं? जैसे तैसे पैसा कमा लिया, अब मोदी जी आ गए, जैसे तैसे पैसा कमा लिया, अब मोदी जी आ गए, नोटवे बंद कर दिए, क्या हो गया? अब टैक्स भरना, हम सबकी हालत खराब है, डरे पड़े बेचारे, क्या हो गए? छटपटा रहे हैं। तो पशु के जैसा जीवन है, जो कर रहा है वही कर रहे, कुछ दूसरा नहीं। लेकिन जो भक्त है, वैष्णव है, महात्मा है, वो एक काम ऊंचा करते हैं। पशु इस सत्संग में नहीं बैठ के सुन सकता है, नाच सकता है, बोल सकता है, मुंडे हिला सकता है, दांत निकाल के हंस सकता है, उनको एक ज्ञान नहीं। हम सबको भगवान ने कृपा करके दिया,
हम सब ये सब सुन के आनंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको जीवन में ले रहे हैं। सच में ले रहे क्या? सच में ले रहे इस बात को? अगर ले रहे तो सब सच्चे हो जाएंगे। ले रहे सब लोग हाथ उठा के बोलिए कौन कौन ले रहे। जो ले रहे वही बोलिएगा। देखिए हाथ देखिए, दशा तो देखो, भगवान देख रहे। सब झूठे पड़े, बड़े बड़े झूठे, बड़े बड़े भागवत हो रहे इस नारा सुबारा में। हमें भी कई बार बुलाते हैं महाराज लोग, है ना, मस्का लगाते हैं, मस्का कथा जो बोलने वाले महाराज लोग है ना, वो एकदम कहते आप लोग तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो। कथा नहीं चलती वहां पे, सिर्फ कैसे जय जयकार हो, डोनेशन आए, जीव के कल्याण की बात नहीं चलती। क्या चलता है? बस आप आते रहो, कितने गुजराती आए, कितने मारवाड़ी आए, कितने डॉक्टर आए, कितने इंजीनियर आए, ये नहीं पूछते। कितने लोग शराब नहीं पीते हैं, कितने लोग बेविचारी नहीं है। बेविचारी समझते हैं? बेविचारी उनको कहते हैं जिनका अनेक प्रकार के अवैध संबंध होते हैं, अनेक प्रकार के। ये नहीं पूछते, वो पूछते डॉक्टर कितने, इंजीनियर कितने, प्रोफेसर कितने, गुजराती कितने, मारवाड़ी कितने, ताकि वो अपना काम बना सके। ऐसी कथाएं चलते रहती है। जीव के कल्याण का कारण नहीं बताते कि भाई सच बोलो, भगवान के अंश हो तुम, भगवान के क्या हो, रिश्तेदार हो, भगवान आपके परम पिता है। आप अपने बुरे कर्मों के कारण इस मृत्यु लोक में आ गए, अभी भगवान कृपा से, भक्तों और संतों कृपा से ये दिव्य वाणी पीने को सुनने को मिल रहा है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, ये मौका है, नहीं तो एकदम भयंकर स्थिति में रहोगे। कैसे रहोगे? भयंकर कष्ट में रहोगे। बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? माँ के गर्भ में उल्टा 9 महीने मल मूत्र में लटके रहना पड़ेगा, खून से सना हुआ रहना पड़ेगा। ऐसी दशा होगी अगर नहीं सुधरे तो। इसलिए कहते भगवान सत चित आनंद बनना चाहिए, भगवान जैसा सच्चा बनो, ज्ञान होना चाहिए। गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए, भक्तों का संग करिए, सत्संग में जाइए और रोज भगवान के नाम का कीर्तन और जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राधा हरे हरे। तो इस प्रकार से उनको निवेदन नहीं करते। क्या कहते हैं? महाराज आप सब तो बड़े अच्छे हो, भागवत कथा में सुनने आए हो। ये भागवत कथा जो सुनता है वैकुंठ चला जाता है। क्या चला जाता है? वैकुंठ चला जाता है। और महात्म्य क्या लिखा है? गोकर्ण महाराज ने भागवत की कथा कराई अपने भाई का उद्धार के लिए, धुंधुकारी का, उसमें मैं जाऊंगा, यह प्रसंग आया इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। गोकर्ण महाराज अपने भाई के उद्धार के लिए प्रेत बन गया था, बुरे कर्म करने के कारण उसी घर में भूत प्रेत बन के रह रहा था। भागवत कथा हुई, हजारों लाखों महात्मा लोग आए सुनने के लिए। गोकर्ण महाराज थे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कथा हुई बड़ी अच्छी, कोई गया नहीं भगवत धाम, कोई नहीं गया भगवत धाम, सिर्फ वो प्रेत गया भगवत धाम। कौन गया? वो प्रेत गया, क्योंकि वो पी रहा था। क्या कर रहा था? पी रहा था, और बाकी लोग संसार में जी रहा था। मेरा धंधा छोड़ के आया हूं, घर में ताला तोड़ के तो कोई नहीं घुस जाएंगे। कल सुबह ऑफिस जाना है, आज धंधा भी बंदा हो गए, देर से जाएंगे घर वाले डांटेंगे, बैठे यहाँ है
और मन कहाँ घूम रहा है, कान कहाँ लगा है, संसार में लगा है। हमारे गुरु जी बड़े अच्छे हैं, हमारा संस्था संप्रदाय बड़ा अच्छा है, अनेक प्रकार के उधेर बोल में पड़े रहते हैं, कथा नहीं पीते, उन शब्दों को नहीं पीते, जिससे धुंधुकारी की तरह एक ही कथा में भगवत धाम चले जाए। हम सब कैसे हैं, कथा से सुन लेते हैं, कैसे है? सुन के ही उपकार कर देते हैं कहने वालों पे, आयोजन करने वालों पे, भाग्य वाले कथा में आया है ना, इतने दर्शन हुए उसका जीवन ऊंचा उठेगा। तो अभी मैं कह रहा था ना, उसको बेचारे को बुद्धि नहीं बैठ जाता सुनने के लिए, क्या है नाच रहा है संसार में। ऐसे जाके ट्रेन में देखिए, मुंबई की सड़कों पे देखिए, जीव इनकी तरह नाच रहा है, किधर जाओ किधर जाओ किधर जाओ, किसको काटू किसको नोचू किसको लोटू किसके घर में घुसू, क्या खाओ क्या पियो कैसे जियो, यही चल रहा है संसार में इनकी तरह। इनको तो बुद्धि नहीं दिया, हमें तो बुद्धि दिया भगवान ने, मनुष्य बनाया। ये बड़ा दुर्लभ जीवन है, व्यर्थ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या बनना है, चेहरे के ऊपर चेहरा नहीं लगाना है, आईना झूठा लेके नहीं घूमना है, झूठे डिग्रियां लेके नहीं घूमना है। आज से 50 साल पहले, 50 साल के बहुत माता लोग हैं, एक जन का भी पेट फाड़ के बच्चा पैदा नहीं हो गया, नॉर्मल डिलीवरी होते थे, क्योंकि लोगों में थोड़े से धर्म कर्म थे, घर में ही भगवान बच्चे दाइयों भाइयों के द्वारा, पड़ोस की नानी दादियों के द्वारा बच्चे आ जाते थे घर में। कोई भजन करने लग जाता है, बोलता हुआ काम धंधा नहीं है, क्या बोलता हो, काम धंधा नहीं है, अरे काम धंधा ये झूठ का धंधा से तो अच्छा है कोई धंधा ना रहे, सबसे अच्छा धंधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे अच्छा धंधा क्या है भाई, जो पूरे दुनिया का मालिक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका नाम लो, उसकी सेवा करो, उसके चरण में आनंद में डूबे रहो, इससे अच्छा धंधा है कोई संसार में, है तो बताइए। इतना बड़ा कोई सेठ है क्या संसार में, मैं पूछ रहा हूं, है क्या? भगवान जितना बड़ा, लक्ष्मीपति कोई सुना कोई, जो भी कुछ है आपकी कृपा से है प्रभु, और थोड़ा दे देते तो अच्छा होता था, क्या है और थोड़ा कृपण है, कृपण इतना होने के बाद भी और थोड़े की लालसा है। तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भक्त करना सबसे ऊंचा बात है, क्या है, भगवान का भजन करना, भक्त होना, उनकी सेवा में डूबे रहना, इससे ऊंचा कोई धंधा नहीं संसार में, कोई नौकरी नहीं, कोई और पद पदवी नहीं। इसलिए तो साधुओं को महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं साधुओं को, क्या कहते हैं महाराज, रहते एक लोग रोटी में एक लुंगी में एक कमंडल रहता है, लेकिन कहते हैं महाराज मैं आपका चरण धो के पीना चाहता हूँ, पीना चाहती हूँ, क्या कहते हैं मैं आपका चरण धोना चाहता हूँ चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भगवान के जैसे मंगल मूर्ति, ये झूठ नहीं बोलता, पापी नहीं, छली नहीं, ठग नहीं है, मेरे में वो सब गुण है, क्या है मेरे में वो सब गुण है। और सबसे बड़ा तो आपको ये है कि ये सब जानने के बाद, सुनने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, ये सब जानने के बाद सुनने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, आपकी सेवा में नहीं लगूंगा लगूंगी, आपका नाम जप नहीं करूंगा, आपके भक्तों का संग नहीं करूंगा, घर में भागवतम नहीं रखूंगा, रोज भगवत गीता नहीं पढ़ूंगा, सत्संग में नहीं जाऊंगा, शाकाहारी नहीं बनूंगा,
झूठ बोलना नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन को जब भगवान गए उपदेश देने शांति दूत बन के, दुर्योधन ने भगवान को बोला, क्या बोला? प्रभु मुझे धर्म ठीक ठीक मालूम है, प्रभु मुझे धर्म ठीक ठीक मालूम है, लेकिन अधर्म नहीं छोड़ सकता। क्या बोला दुर्योधन? मुझे धर्म ठीक ठीक मालूम है, मैं कौन हूं? पांडव कुल का, कौरवों के कुल का हूं, धर्म जानता हूं। मेरे कुल में एक से एक पराक्रमी धर्मी हुए, भक्त संत हुए, धर्म मुझे मालूम है, लेकिन अधर्म नहीं छोड़ सकता हूं। हम सबको दुर्योधन वृत्ति घुसी हुई है। कौन सी वृत्ति? दुर्योधन वृत्ति। सब लोग पूजा पाठ करते हैं, ये पूजा, ये पूजा, ये पूजा, एक भी नहीं छूटेंगे ऐसी पूजा है ना, कोई भी व्रत नहीं छूटा, लेकिन वृत्ति कौन सी वाली है? दुर्योधन, अधर्म नहीं छोड़ूंगा, पाप करना नहीं बंद करूंगा। भगवान ने जो कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मा भक्ता प्रयच्छति, कोई शाकाहारी भोजन नहीं करूंगा, मुझे तो रोज मांसाहारी चाहिए, शराब चाहिए, झूठ बोलना नहीं छोड़ूंगा, ठग नहीं छोड़ूंगा, कोई प्रकार का सत्संग और सात्विक अनुष्ठान न करूंगा, न जाऊंगा, न जीवन में रहेगा। दुर्योधन वृत्ति है। संसार जीतना चाहता था, दुर्योधन का नाश हो गया। अगर यही वृत्ति रहेगी नाश हो जाएंगे। आप बोलेंगे यहाँ पे ये कथा सुन रहा हो कि नाश होने का वरदान दे रहे प्रभु जी, ऐसा नहीं है। मैं तो आप सबका दास हूँ, सेवक हूँ, हितैषी हूँ। भगवान हमारे परम पिता है, भगवान के शब्दों को दोहरा रहा हूँ। भगवान चाहते हैं हम सब आनंद में रहे, मिलके रहे, मिलके नाचे गाए, रोज आनंद मनाए, लेकिन रोज दुख भोगते, कष्ट भोगते, मेहनत करते, इसलिए भगवान जगा रहे हैं, उठा रहे हैं। उठो, नींद में से निकलो, सपना तोड़ो। कौन से सपने में जी रहे हो? इस संसार दुखालय अशाश्वतम है, दुख मिलेगा सिर्फ, श्रम एवं ही केवलम, मेहनत मिलेगा सिर्फ, कुछ हाथ नहीं आएंगे, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चले जाएंगे।